फिलिस्तीन गाजा के समर्थन में अब ईरान आया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खेमेनेई का बयान सामने आया, फिलिस्तीन और गाजा इस्लाम की ताकत है, ये ईरान की तरफ से कहा गया, उसके सुप्रीम लीडर की तरफ से बयान दिया गया। फिलिस्तीन की तहरीके आगे जाएगी खेमेनेई, ये कहा गया है। फिलिस्तीन की मदद को आगे आए खेमेनेई, ये अपील की गई है। ये अपडेट इस वक्त आप जान लीजिए, फिलिस्तीन गाजा के समर्थन में आया ईरान, ये अपडेट इस वक्त है। ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया, खेमेनेई का ये बयान है कि फिलिस्तीन और गाजा इस्लाम की ताकत है, ये बताता नजर आया खेमेनेई कि फिलिस्तीन और गाजा इस्लाम की ताकत है। और अब आपको चार तस्वीरें दिखाते हैं इस जंग के मैदान से, जो तस्वीरें सामने आ रही है। हमास से युद्ध का 10वां दिन है, हमास के ठिकानों पर लगातार हमले जारी है। इजराइल के 286 सैनिकों की मौत हो चुकी है, 1500 से ज्यादा आतंकी अब तक इस युद्ध में मारे भी गए। यूएन के शिविरों में 400,000 लोग इस वक्त हैं। गाजा से पलायन का दौर भी लगातार जारी है। नेतन्याहू ने संकल्प दोहरा दिया, हमास के टुकड़े टुकड़े होंगे। इजराइल की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हमास के साथ ऐसा होगा कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। और एक बार फिर से इस संकल्प को दोहराया गया है कि हमास के टुकड़े टुकड़े होंगे। Z News.